हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं मंजीत और आज मैं बात करने वाला हूं कॉकटेल पैरट्स के बारे में। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कॉकटेल की प्रजाति को सभी पालतू पक्षियों की प्रजाति में दूसरे सबसे लोकप्रिय प्रजाति माना जाता है। कॉकटेल बहुत ही स्वीट एंड शानदार होते हैं, जिनकी देखभाल करना बहुत ही आसान है। इन पक्षियों को आप लोग बहुत ही आसानी से ट्रेंड भी कर सकते हैं और ये दूसरे तोतों की प्रजातियों के मुकाबले बहुत ही शांत होते हैं। कॉकटेल बहुत ही लविंग एंड इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आप लोग इन्हें हर रोज टाइम ना भी दे पाए तो अपने टॉयज और अपने साथियों के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। दोस्तों, ये पक्षियां बहुत ही अच्छा सीटी भी बजा लेते हैं और इनमें नर कुछ हद तक बोलना भी सीख सकते हैं। अगर आप लोग इन्हें एक टाइम इंटेंशंस नहीं दे रहे तो ये सीटी बजाकर आप लोगों को अपनी साइड अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आप इन्हें इंटेंशंस दो, इन्हें प्यार करो। इन पक्षियों को आप लोग रात में अंधेरे में ना छोड़ें। ये किसी भी छोटी सी आवाज से डर सकते हैं और पिंजरे में उड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये इंजर्ड भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं, बट उससे पहले ये हमारी पिछली वीडियो का टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है करण संधू, सेकंड है रायली चपके एंड थर्ड है मोहित सोनी। कॉकटेल की प्रजाति बहुत ही सोशल एंड लविंग बर्ड्स होते हैं और ये हमेशा अपना समय ज्यादातर अपने ओनर के साथ बिताना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। याद रखें कि इन पक्षियों के पिंजरे में आप लोग इनके लिए खिलौने जरूर रखें, जिनके साथ ये खेल के खुश रह सके। वैसे ये वीडियो आज मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेके आया हूँ कि बहुत से लोग मुझे पर्सनली कॉल करके कहते थे कि भाई बर्ड्स के ऊपर भी कोई वीडियो लेके आओ, तो फाइनली आज ये वीडियो आप लोगों के सामने है। तो अगर आप लोग बर्ड्स को रखने के शौकीन हैं, तो आप लोग इन कॉकटेल पैरट्स को परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही फन लविंग एंड प्यारे होते हैं। और फ्रेंड्स, इन पक्षियों को आप लोग बहुत ही आसानी से पिंजरे में भी ब्रीड कर सकते हैं, इसीलिए ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से कहीं पर भी मिल जाते हैं। और ये दोनों ही लविंग पैरेट्स हैं, जिन्हें आप लोग अलग अलग परचेज ना करें। ये दोनों ही आप लोगों को एक ही साथ परचेज करने होंगे और एक ही साथ रखने होंगे। वैसे मुझे इनकी एवरेज लाइफ स्पैन के बारे में तो नहीं पता, बट इन दोनों की जो एज है वो 17 मंथ्स हो चुकी है। और ओनर की जो लोकेशन है वो है गुरुग्राम हरियाणा से। डिलीवरी आप लोगों को इन पे नहीं मिल पाएगी, आप लोगों को डायरेक्ट विजिट करके ही इन्हें परचेज करना होगा। वैसे गाइस, इन पक्षियों के प्राइसिंग के बारे में तो मुझे नहीं पता कि क्या प्राइसिंग होती है, बट ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो की है 4500 रुपीस, यानी 4500 रुपए, और ये प्राइस इन दोनों का है। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता कि इन पैरेट्स को क्या खिलाना चाहिए, तो वो चीज आप लोगों को ओनर भी बता देंगे। अदरवाइज आप लोगों को यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इनकी डाइट से रिलेटेड। वैसे प्राइसिंग में आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से भी बात कर सकते हैं, नंबर मैंने उनका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय।